चुनाव के टाइम में जो तो वो जो अभी काम करती जो सरकार, तुम उधर मैं उधर सब बढ़ जा रहे हैं, जो होने का वही हो जा रहा। तो विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें भुगतना पड़ेगा, अभी भुगतना पड़ेगा, याद रखो हमारी बात। सेना उसकी तरफ कितनी, कांग्रेस उसकी तरफ कितनी, एमआईएम उसकी तरफ कितनी, हर किसी का वही मुद्दा है। दूसरे लोग तो खाते खाने आए तक है सब। ओ भाई 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 किधर वापस आइए। विधानसभा चुनाव की सारी डिटेल्स, जनता की राय, जनता की समस्या इधर है, उधर कहाँ जा रहे हैं आप? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नया इलाका औरंगाबाद शहर में हम लोग मौजूद हैं, जनता के विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो धूप छाँव का मौसम है हमारी ज़िंदगी में, सफ़र में सारा कुछ कट रहा है, कभी इधर कभी उधर, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं सड़क पे। आप एक चीज़ बस कर सकते हैं, कैमरामैन की टी शर्ट भीग जाती है काम करते करते पसीने, एक फॉलो, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक लाइक, ये तो बनता ही है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भाई पैसे देने पड़ेंगे क्या इसके? अगर वो आश्वासन दे कि हाँ हो जाएगा तब? आश्वासन नहीं होना, हमको काम होना पहले, फिर उठूंगा। सबको मिलाते चलना अपनों को, वो चाहे हिंदू रहो या मुस्लिम रहो, अपनों को उनको मिला के चलना है। ये बात, अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आमदार का चुनाव, क्या लग रहा है क्या होगा औरंगाबाद? मुद्दे क्या हैं सर जिन पे आपको लगता है कि चुनाव होना चाहिए, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है? महंगाई तो है, रोजगारी तो सभी जो है ना। बस इतना बोलना चाहूँगा कि मार्केट में धंधे पानी कम हो गए और महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रही है। काम के कारोबार में भी जो अभी बहुत दिक्कत वो हो गई है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है। आपको लगता है कि बात तो बहुत है साहब, कौन उसको अमल करेंगे और कौन उसको फॉलो करेंगे आप बताओ, कौन फॉलो करेंगे उसको, कोई सुनने को तैयार नहीं है। बात मुद्दों की तो बात ही मत करो तुम। आज मीठा तेल देखो क्या रेट हो गया, मीठा तेल का 140 250 लीटर हो गया भाई, 140 150 नहीं 250 रुपये लीटर हो गया। अरे ये रोड पे गट्टो नहीं बैठे कितने दिन से, सामान होगा वो आकर इतना बड़ा गड्ढा होगा वो नहीं बना अभी तक। वो अभी एक और दुकान वाला मेरे को बोला कि ये नाली नहीं बनी ना, तो बारिश का पानी घुस जाता है पूरा, है ना? हाँ पूरा पानी घुस जा रहा, कल तो बहुत पूरा पानी आया था, पूरा जम गया था, दुकान के अंदर तक जा रहा था। ये आपकी दुकान है ये? अभी आप तो वोट डालेंगे ना, तो आपका वो जो अहम वोट है वो किस पक्ष की तरफ जा रहा है? विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जीत करा रही है? तो उसके पीछे कोई खास वजह नहीं, पार्टी अच्छी है, सबको लेके चलती है। हम कांग्रेस सरकार देखना चाह रहे हैं भैया। पिछला जो MLA है मेरे ख्याल से उसने तो कुछ ना कुछ उसका नाम हुआ है ना कुछ काम हुआ है। नहीं नहीं अभी जब अभी तो वोटिंग तो ज़्यादा इसको कर रहे थे अपन पतंग को पहले भी, अभी भी इसको करेंगे इंशाल्लाह। अभी जब आपके पास आएंगे ना वोट मांगने के लिए, चाहे जो भी हो, ये समस्याएं आप रखेंगे उनके साथ? समस्या नहीं, उनको हमारे गली में लेके जाएंगे, वो भी चप्पल उतार के लेके जाएंगे, वोट होना ना तो हमारे गली में आ बोलेंगे क्योंकि चंबर का पानी बहता ना, जरा तुम भी मजा लो उसका, हम ले रहे तो थोड़ा तुम भी लो। सड़क को बनाने में कितना समय हो गया? ये अभी भी बना ही है, कम से कम बोले तो 2-3 महीने हो रहे हैं। अभी बने बहुत बहुत साल बाद बने, और रोड पर भी इतनी दिक्कत होती है कि आने जाने वाले को परेशानी होती है। बहुत दिन के बाद मतलब 10-1 साल के बाद ये सड़क बनी। हमारे एरियो के अंदर भी जो है काम वगैरह हुआ है, और नगर सेवा का भी जो हमारे एरिया से जो है MIM के थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करे भैया। सुबह सुबह जो है हमारे एरिया में कचरे की बहुत परेशानी थी, सब मैदान में लाके फेंकते थे। MIM के नगर सेवक सुन के आए भैया, उनका PA रेगुलर जो है भैया कचरे वालों के पीछे लगे हुआ था भाई। चश्मा जाओ जरा, अभी पहले वोटिंग तो मारो ना। हाँ बोलो, किसको डालोगे? वही भाई अपना जो है, वही अपना जो है, वही कांग्रेस। कांग्रेस पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती। मेरा व्यक्तिगत जो वोट है मेरा जो है तो लाडली बहन जो है, जिसने जो ये करे हुआ है उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि भाई वो सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं था, गरीबों को कैसा है कि थोड़ा 2 पैसे का वैल्यू समझ में आएगा और उनको वो सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, कि जो घर में कोई गरीब है तो भूखे रह रहे तो उनको थोड़ा सा एक हेल्प हो जाएगी, थोड़ी सी क्यों नहीं होती, एक 2%, 5%, 10% की, तो वो फ़ायदा उनको हो जाएगा। महंगे बढ़ा दो बोलना, महंगे कैसे कम कर रहे हैं, क्योंकि आप पैसे भाई ना को दे रहे तो फिर इधर से निकालना पड़ेगा ना उनको।
सिर्फ बहना को दे रहे, भाई को भावना ही को दे रहे कि नहीं दे रहे बोलना पैसे। जो मीडिया बदनाम है कि पैसे खाती है, फिर ये लोग बोलेंगे कुछ। फिर अभी आमदार का चुनाव आ रहा है ना विधानसभा, देखेंगे अब जो अच्छा काम करेंगे उसको देंगे वोट। कौन सी पार्टी है ऐसी जो आपको लगता है कि हाँ काम करती है? एमआईएम पार्टी की करती काम, एमआईएम को देंगे वोट। योजना बहुत निकाली, पूरी भी नहीं हो रही। जवान जवान बच्चे अभी इस वक्त बहुत खाली है, फिलहाल में बहुत फिर रहे हैं। और दिल में रहने की कोशिश करो, दिमाग में मत रहो ना किसकी भी। सही बात है। अब इस पर आपके क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कॉम्प्लेक्सिटी है, कन्फ्यूजन है, कई सारे लोग अलग अलग ख्याल अपने दिमाग में रखे हुए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे राजनीतिक मैदान में क्या क्या हलचल होती है। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारी खबरें आप तक पहुँचाएँ। अब खैर इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। या ब्रो।